नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय गोरखपुर में आउटसोर्सिंग से तैनात पैरामेडिकल स्टाफों द्वारा शनिवार को न्यू ओपीडी के समक्ष बैठकर दो घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। आपको बता दें कि 28 फरवरी की शाम यूपीएचएचपी की तरफ से निकालने की नोटिस पर कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। वहीं इस संबंध में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने बताया कि स्टाफों द्वारा एक पत्र कल दिया गया था कि दो घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जबकि इनके टर्म्स एंड कंडीशन में इनके एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह का कार्य बहिष्कार नहीं करना है, कोई एसोसिएशन नहीं बनाना है। मुझे सूचना मिली है कि कुछ लोग कार्य कर रहे हैं, अधिकतर लोग दो घंटे का कार्य बहिष्कार किए हैं, इसके बारे में उच्चाधिकारियों को हम सूचित करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए संयुक्त आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष बासुकीनाथ तिवारी, स्टाफ नर्स मीरा राय और प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा, अभी तो ये अंगड़ाई है, हमारी मांगे पूरी करो। मेरा नाम बासुकीनाथ तिवारी, संयुक्त आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष गोरखपुर। धरना कर रहे हैं, हमारे वहाँ से यूपीएचएसएसपी के परियोजना के तहत हम लोगों को जिला अस्पताल में तैनाती की गई सन 2015 में, और यहाँ 28 फरवरी को नोटिस दिया गया कि हम लोगों की परियोजना 30 मार्च को ख़त्म हो रही है। इसी परियोजना को हम लोगों को से यहाँ 3 साल कार्य कराया गया और अचानक निकाला गया। हम लोगों की मांगे ये हैं कि सरकार हम लोगों को निकाले ना, यही मांग हम लोग कर। मीरा राय, अपना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमें समायोजन किया जाए, हमें कोई 6 महीने का एक्सक्यूज कुछ भी नहीं चाहिए, हमें एनएचएम में कन्वर्ट किया जाए, हमको बस मेरी यही मांग है, समस्त कर्मचारियों को चाहिए और क्या अकेले थोड़ी नहीं चाहिए हमको। इनके द्वारा एक पत्रक दिया गया है मुझे कल कि 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे इनको, जिस संस्था के द्वारा ये लोग यहाँ पर चयनित करके भेजे गए हैं उस संस्था को कोई नोटिस प्राप्त हुआ है, मुन्नी को मिला, हमें तो नहीं मिला कोई नोटिस इस तरह का कि 31 मार्च के बाद सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। उसी क्रम में ये लोग कार्य बहिष्कार करने की नोटिस दिए हैं, जबकि इनके टर्म्स एंड कंडीशंस में, इनके एम्प्लॉयमेंट में कि किसी भी तरह का कार्य व्यवहार बहिष्कार नहीं करना है, कोई एसोसिएशन नहीं बनाना है, कोई इस तरह की चिकित्सालय से मरीजों के इतर कोई गतिविधि ऐसी नहीं करनी है। तो मुझे सूचना मिली है कुछ लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग कार्य बहिष्कार किए हैं 2 घंटे का, इसके बारे में उच्चाधिकारियों को हम लोग सूचित कर देंगे।